पलामू लोकसभा में कल मतदान होना है और मतदान के लेकर मतदान कर्मियों को जिला प्रशासन के द्वारा गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हम अभी खड़े हैं पलामू जिले के जीएलए कॉलेज के ग्राउंड में, जहां से जिले के तमाम मतदान केंद्रों पर जो है यहां मतदान कर्मी जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदान कर्मी है, बात करते हैं कैसा महसूस हो रहा है। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें है कि चुनाव जब कराया जा रहा है तो बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, मात्र 1600 रुपया दिया जा रहा है। तीन दिन ट्रेनिंग कराया गया, इतना दूर डाल्टनगंज से 15 किलोमीटर दूरी पर लोग 200 किलोमीटर दूरी से आया, फिर डाल्टनगंज से बात गया, मात्र 1600 रुपया देकर भेजा जा रहा है। क्या इसमें क्या है, मतलब एक बिहार में 5250 रुपया दिया गया, 4050 पीओन को दिया गया, तो यह मतलब अंदर मन में जो है, मतलब वो कह सकते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं खूनस है मन में। खूनस है क्योंकि जब प्रशासन द्वारा जब पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ हम लोग को दिया नहीं जा रहा है तो भाई क्यों, क्या खाली कर्मचारियों को शोषण किया जाता है हर चीज के लिए। आप क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा लगता है? बहुत अच्छा सुखद महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो लोकसभा चुनाव हम लोग कराने जा रहे हैं, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग चुनाव करा करके अपने घर के। पहले बहुत डर लगता था कि नक्सली क्षेत्र है ये, उसका कितना अब लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार जो है कि इसके पहले भी हम लोग चुनाव कराए हैं, बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव कराए हैं और निष्पक्ष चुनाव जहां भी जाते हैं कराते हैं। पहले जैसे चुनाव कर्मी जाते थे तो उनकी मतलब घर के माताएं बहनें या फिर घर के महिलाएं मंदिर में जाके दिन भर पूजा करती थी कि पति सही सलामत वापस लौटे, अब क्या लगता है? अब माताएं बहने भी सभी जानते हैं कि हम लोग सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ का जिला प्रशासन पूरा सक्रिय है और हम लोग लगता है कि चुनाव कराने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। वास्तव में ये जो हम लोग का चारों का ट्यूनिंग जो रहता है, प्रिजाइडिंग से लेकर के P1 P2 और P3 हम लोग आपस में ट्यूनिंग बना करके चुनाव कराते हैं और चुनाव के दरम्यान यही महसूस होता है कि हम लोग चुनाव ही नहीं बल्कि हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। क्या लगता है, डर थोड़ी सी लगती है? डर तो नहीं लगता है। पहले वाला वम में अंतर नहीं सर, अब डर नहीं लगता। पहले चुनाव में लोगों को डर लगता था, अब कैसा लगता है? नहीं सर, वैसा नहीं है, हम तो एक चुनाव करा चुके हैं, वैसा महसूस नहीं हो रहा इस बार, और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। जिला प्रशासन ने जितना दावा किया था कि मतदान कर्मियों को जो सुरक्षा दी जाएगी, वहाँ रहने की व्यवस्था, से कितना लगता है उस पर खरा उतर? मतलब खरा है इस प्रशासन, लेकिन अच्छा ही है जो भी है, वो अच्छा ही है। मतलब क्या लगता है कि जो व्यवस्था जिला प्रशासन ने दावा ठोका था वो सही है? सही। मतदान कर्मियों में हौसला है? हौसला पूरा बुलंद है, पूरा बुलंद है। देख सकते हैं कि किस तरह से हौसला है, बुलंद है। नक्सली क्षेत्र होता था पहले पलामू, और जब मतदान कर्मी यहाँ से रवाना होते थे तो मतदान कर्मियों के घर वाले पूजा पाठ करते थे और उनको ये मतलब डर होता था कि पति सही सलामत लौट पाएंगे कि नहीं, और ये घटना भी पहले घटती थी। लेकिन अब देखिए मतदान कर्मियों कितना हौसला बुलंद है कि जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी वो पर खड़ा है। हालांकि मन में कहीं ना कहीं ये है पैसों के लेके कि कम पैसा दिया जा रहा है बिहार के अपेक्षा, लेकिन मतदान कर्मियों में काफी हौसला है, उमंग है और जोश है, उनके उम्मीद विश्वास है कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था दी है, मतदान कर्मी मतदान कराने जा रहे नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के तौर पर इस महापर्व को मना रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि कितनी मुस्कान है चेहरे पर, यही मुस्कान एक समय था पलामू में नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, मतदान कर्मियों के चेहरे पर भय हुआ करता था, लेकिन आज देखिए किस तरह से उमंग व उत्साह है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।